Good morning, student. Once again, with the lesson number first from the supplementary book for the 9th class, and the lesson is The Lost Child. In this lesson, the child goes to the fair with his parents and he wanted to buy all the things in the fair, many of things in the fair, like toys, sweets, garland of flowers, and he wanted to enjoy the roundabout, but he was denied everything by his parents. As soon as he requested them for these things. And when he lost his parents, when he is lost somewhere, he separated from his parents, he was found by another person, a strange unknown person, and that person offered the same things to the child, but he denies. Let's see what happens in the lesson. Let's resume the topic. And till now we have read that he went to the fairs and he saw the sweets are his favorite dish. His mouth waters. And second shop was a flower shop where garland of flowers were being sold. He wanted to buy these things, sweets as well as garland of flowers, gulmohr, which was made of gulmohr, but his father denied and he moves on. So let's resume the topic from here. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. Ek vyakti mele mein khada tha in the fair and selling colorful balloons, yellow, red, green, purples, etc. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken color and was filled with the overwhelming desire to possess them all. और बच्चे की जो भावना जागृत हो जाती है, they wanted to buy balloons of all colors. He was attracted by these things. वो आकर्षित हुआ इन चीजों से, the rainbow glory of their silken color, जो सिल्कन कलर का जो रेनबो टाइप का जो वहाँ पे बना हुआ था उसको ही वांटेड टू बाय. और उसके जो अंदर की जो ओवरवेलमिंग डिजायर थी वो एकदम से जागृत हो जाती है कि ही वांटेड टू पजेस, वो रखना चाहता था, खरीदना चाहता था ऑल ऑफ देम, उन सभी को. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय द थिंग्स फॉर हिम द बैलून्स बिकॉज दे वुड से दैट ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद टॉयज. सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर. उसको पता था कि उसके पेरेंट्स ये कहेंगे कि वो अब इतना छोटा नहीं है. ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद देम. वो अब इतना छोटा नहीं कि उनके साथ खेले, मीन्स वो बड़ा हो गया है. सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर. अब वो फिर आगे बढ़ गया. ये विचार उसके मन में आया कि उसको डिनाई करेंगे ये कह के. स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful band like neck of swan. अब जो एक स्नेक चार्मर अपनी जो फ्लूट से म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस कर रहा था, और बच्चे को वो एक अंदर जो स्नेक था वो कुंडली मारे बैठा हुआ था इन द बास्केट, और अपना जो हेड था ग्रेसफुल, बड़ी शान से स्वैन जो हंस की तरह ना ऐसा फन उसने जो होल्ड कर रखा था. वाइल द म्यूजिक स्टोर इन टू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक जेंटल रिपलिंग ऑफ इनविजिबल वाटरफॉल. मानो वाटरफॉल से, झरने से पानी जो गिर रहा हो उसकी जो साउंड है, रिपलिंग साउंड, और उसके आदर्श इनविजिबल ईयर्स में उसके गिर रही थी, और वो जो स्नेक था वो कुंडली मारे बास्केट में एक हंस के माने अपना जो हुड था उसको, उसकी जो गर्दन थी वो स्वैन पक्ष बर्ड्स जैसे थे. द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर. बच्चा उस सपेरे की तरफ गया. बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर. अब उसको फॉरबिडन क्या था, मना किया था कि भाई ऐसे म्यूजिक को डोंट लिसन टू सच म्यूजिक. ये कोर्स म्यूजिक, उन्होंने कहा कि कोर्स म्यूजिक कर्कश है, सुरीला नहीं है, नॉट मेलेडियस,
उसको डिनाई कर रखा था पहले ही, तो वो प्रोसीड फर्दर, आगे वो बढ़ गया उसको सुन के. एक्चुअली ही वॉन्टेड टू एंजॉय दिस म्यूजिक. देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, एक झूला पूरे जोश में घुमा रखा था वहाँ पे जो फेयर में. मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन व्हर्लिंग मोशन श्रिक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर. मैन वुमेन पुरुष महिलाएं बच्चे वहाँ अट्रैक्टिव हो रहे थे व्हर्लिंग मोशन, वो जो घूमती उसकी गति को देख के और चिल्ला रहे थे पागलों की तरह, एंजॉय करने के लिए एंजॉय कर रहे थे. द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, बच्चे ने उनको ध्यान से देखा राउंड अबाउट को. एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, फिर उसने थोड़ा साहस करके रिक्वेस्ट की, आई वॉन्ट टू गो ऑन दैट राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर. अब उसने रिक्वेस्ट की, बोल्ड रिक्वेस्ट की, मुझे वो उस पर जाना है, उसको मुझे इन्जॉय करना है राउंड अबाउट पे, फादर मदर को रिक्वेस्ट की. देर वॉज नो रिप्लाई, कोई आंसर नहीं आया. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम. उसने आवाज़ लगाई पेरेंट्स को, लेकिन वो वहाँ पे नहीं थे. ही टर्न टू लुक ऑन इधर साइड, दोनों साइड इधर उधर उसने देखा पेरेंट्स को, दे वर नॉट देयर. ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा, उसको दिखे नहीं पेरेंट्स बच्चे को. देर वॉज नो साइन ऑफ दैम, उनका कोई चिन्ह भी वहाँ पे नहीं देखा. ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड. अब वो जब उसने देखा, व्हेन ही सॉ द पेरेंट्स वर नॉट देयर, ही स्टार्टेड क्राइंग विद हिज ड्राई थ्रोट, अपने सूखे गले से रोना शुरू किया और एक झटके के साथ इधर उधर दौड़ा और भयभीत होकर इधर उधर वो दौड़ा बच्चा. मदर फादर टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज हॉट एंड फायर्स, उसकी आँखों से गर्म गर्म आंसू गुस्से के साथ और डर के साथ आँखों से टपक रहे थे. हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्ड विद फियर, उसका जो चेहरा था चमकीला वो सिकुड़ गया था भय से. पैनिक स्ट्रिकन, दुख से पीड़ित, ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन द अदर, अब एक तरफ दौड़ा फिर दूसरी तरफ, इन ऑर्डर टू फाइंड हिज पेरेंट्स. इधर एंड दीदर, इधर उधर, इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में, नोइंग नॉट वेयर टू गो, पता नहीं कहाँ जाऊँ. मदर फादर ही वेटेड, हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ बिकेम मडी, उसको पता नहीं मैं कहाँ जाऊँ, और उसका जो टर्बन था वो अनटाइड खुल गया और कपड़े उसके गंदे हो गए. हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज, रनिंग फॉर ए व्हाइल, ही स्टूड डिफीटेड, हिज क्राइज सपर्स्ड इन द शॉप्स, बच्चा डर गया था और दौड़ दौड़ के थक हार गया था, और उसकी जो क्राइज थी रोने की आवाज़ सपर्स्ड इन द शॉप, वो सिसकियों में बदल गई थी जो रुक रुक के रोता है बच्चा. At a little distance on a green grass, he could see through his filmy eyes man or woman talking. अब उसे अपनी धुंधली आंखों से वहाँ कुछ देख रहा था जहाँ पे मैन वुमेन बातें कर रहे थे. He tried to look intently among the patches of bright yellow cloth, but there was no sign of his father and mother among these पीपल. अब उसने उन जो बाकी लोग थे बातें कर रहे थे हंस के, उनके में अपने पेरेंट्स को फाइंड करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे कोई उनका ऐसा साइन, कोई ऐसा चिन्ह भी नहीं था. हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर स्टेक ऑफ लाफिंग थाविंग लाफिंग एंड टॉकिंग, खाली बातें कर रहे थे लोग हंस हंस के, अपना इंजॉय कर रहे थे मेले में. ही रैन क्विकली अगेन दिस टाइम टू द श्राइन To which people seemed to be crowding. अब वो जो मंदिर था श्राइन टेम्पल की तरफ दौड़ा बच्चा. He ran quickly again, दोबारा फिर दौड़ा, this time इस बार मंदिर की तरफ जहाँ पे लोग crowding थे, काफ़ी भीड़ थी. Every little inch of space here was congested with men. एक एक इंच लोगों से भरा पड़ा था, congested था, सघन था, density ज़्यादा थी लोगों की, population की. But he ran थ्रू पीपल्स लेग, लोगों के पैरों से, क्योंकि छोटा था, हाइट कम थी, पैरों से निकलता हुआ बच्चा. हिज लिटल शोब लिंगरिंग मदर फादर, अब उसकी जो जो लिटल शोब सिसकियाँ थी, मीन्स सिसकता हुआ बच्चा अपने पेरेंट्स को बुला रहा था. नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, टेम्पल जहाँ पे वर्शिपिंग होते हैं उसके एंट्रेंस पे के नज़दीक. हाउ एवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, भीड़ बहुत थी. Men jostled each other, heavy men over the flashing murderous eyes and hefty shoulders.
एक दूसरे को कोनिया मार रहे थे, क्राउड ज़्यादा थी, गैदरिंग ज़्यादा थी, हैवी मैन भारी भरकम लोग विद फ्लैशिंग चमकीले मर्डरस आइज एंड हेफ्टी शोल्डर, मतलब मजबूत लोग उसको इधर उधर से कोनिया और धक्के लगा रहे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट ए वे बिटवीन देयर फिट बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय द ब्रूटल मोमेंट। बच्चे ने वहाँ से निकलने की कोशिश की लेकिन ब्रूटल मोमेंट लोगों को, क्योंकि स्ट्रॉन्ग थे पीपल, ही वॉज लिटिल चाइल्ड, तो उनकी धक्कों की चपेट में आ रहा था बच्चा, ब्रूटल मोमेंट्स। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडरफुट, वो लोगों के पैरों के नीचे आ जाता। हैड ही नॉट अश्रिक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अगर वह अपनी तेज आवाज में चिल्लाता नहीं तो। फादर मदर, ए मैन इन द सर्जन क्राउड हार्ड इज क्राई, इस बढ़ती भीड़ में से एक व्यक्ति ने उसकी आवाज़ सुनी। एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, बड़ी मुश्किल से झुकते हुए उस बच्चे को उसने अपनी भुजाओं में उठाया, हाथों में। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम बच्चे यहाँ कैसे आ गए, उसने कहा। हूज बेबी आर यू, आप किसके बच्चे हो, द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर टू द मास, व्यक्ति ने पूछा भीड़ को इधर उधर करते हुए। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ, बच्चा पहले से भी ज़्यादा जोर से रोया। ओनली क्राइड, खाली चिल्ला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपनी मम्मी पापा, अपने पेरेंट्स चाहिए। द मैन ट्राई टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, अब व्यक्ति ने उसको सूद काम डाउन करने के लिए राउंड अबाउट झूले के पास ले गया। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, अब उसने पूछा कि आप घोड़े की सवारी करोगे बच्चे। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू थाउजेंड शेरिल शॉप्स एंड ही ओनली शाउटेड, अब बच्चे ने हजारों जो शेरिल करकस आवाज निकाली और खूब सिसकियां भरी, खूब रोया, शाउटेड, चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपनी मम्मी पापा चाहिए। द मैन हेडेड टूअर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन फ्लूट टू द स्विंग कोबरा, अब वो व्यक्ति वहाँ पे लेगा जहाँ पे जो स्नेक चार्मर फ्लूट प्लेइंग द फ्लूट और जो कोबरा था वो स्विंग हिल रहा था, डांस कर रहा था, इट वॉज डांसिंग। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, लिसन टू दैट नाइट म्यूजिक चाइल्ड, बच्चे इस म्यूजिक को इंजॉय करो, सुनो। ही प्लेड इट, उस व्यक्ति ने, अननोन पर्सन ने उसको कहा। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन, अब बच्चे ने अपने कानों से, अपने उंगलियों से दोनों कानों को बंद किया और दुगनी आवाज़ के साथ, वॉल्यूम के साथ वो रोया, चिल्लाया। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, वो एक ही बात रिपीट करता रहा कि मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, अब वो जहाँ पे बैलून सेलर था उसके पास ले गया ताकि वो बैलून्स के कलरफुल बैलून्स को देख के उसका ध्यान अपने जो दुख जो पेरेंट्स से हट जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए और बच्चा शांत हो जाए। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, ही परसुएसिवली आस्क्ड, उसने बच्चे को मनाते हुए कहा कि क्या आपको ये रेनबो कलर वाले बैलून चाहिए। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट शॉप्ड, बच्चे ने अपना मुंह फेर लिया और फिर शॉपिंग करने लगा, रोने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, ये कहते हुए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, अब फिर से कोशिश करता हुआ अननोन जो पर्सन था, वॉज वेरी गुड पर्सन, ही वॉज वेरी जेंटल, उसको हैप्पी करने के लिए उसको ले गया बोर टू द गेट, उस गेट पे लेगा जहाँ पे फ्लावर सेलर बैठा हुआ था। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, देखो इसकी सुगंध लो, कितने अच्छे फ्लावर्स हैं, उस अननोन पर्सन ने छोटे बच्चे को कहा। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, क्या तुम एक माला चाहिए अपने गले में पहनने के लिए, उसने उसको ऑफर किया बच्चे को, अननोन पर्सन ने बच्चे को ऑफर किया कि तुम माला ले लो उसको पहनना गले में। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रीटेड हिज शो, बास्केट की तरफ से बच्चे ने अपना मुंह दूसरी साइड किया और
रिट्रीटेड इज शोभ, अपनी शिष्य दोबारा पुनः आरंभ कर दी। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए। थिंकिंग द ह्यूमर इज दिस कंसोलेट चार्ल्स बाय द गिफ्ट ऑफ स्वीट। अब उसका जो निराश था बच्चा, दुखी था, डिसकंसोलेट जो चार्ल्स था बच्चे में सैडनेस थी, उसको ह्यूमर में, उसको खुशी में बदलने के लिए वो स्वीट शॉप पे ले गया। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, स्वीट शॉप के ऊपर, काउंटर के ऊपर ले गया। दीज आर द सेम स्वीट्स वेयर द चाइल्ड आर रिक्वेस्टेड हिज पेरेंट्स टू बाय एंड इट वॉज हिज फेवरेट डिशेस। वट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, कौन सी बर्फी चाहिए तुम्हें, ही आस्क्ड, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली शॉप, स्वीट शॉप से अपने चेहरे को दूसरी साइड करते हुए बच्चे ने कहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपना पापा चाहिए, मुझे अपने पेरेंट्स चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए लिटल चाइल्ड हु लॉस्ट इन द फेयर, हु गेट लॉस्ट इन द फेयर एंड He denies those things which he wanted to buy. He wanted to eat sweets. He wanted to buy garland of flowers. He wanted to listen to the music of snake charmers, the flute of snake charmer. And he wanted to buy many things in the fair. And the same child denied the things when a strange person offered him. So these things indicate that he, the child, loved his parents too much in spite of denied him. The parents of the child did not offer him anything. Still, the child loves them a lot. So this is the symbol of love of a child to their parents. So student, I hope you enjoyed this lesson very well and you too love your parents very well, I think. And listen, read this lesson time and again. Listen, watch this video to understand the lesson very well. And till then, keep practicing, keep learning. Have a great day. May God bless you all.